तेजस्वी खड़ा है, तेजस्वी खड़ा है, बीजेपी का एजेंट बना हुआ है। पूर्णिया में अब की बार वो सब नहीं चलने वाला है, सिर्फ पप्पू यादव, एक तरफ यादव, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव। जनता बोले ना इंडिया को, ना इंडिया को, पप्पू यादव को ही देंगे। हर गरीब का आवाज निकल रहा है पप्पू यादव, पीछे पूर्णिया, पीछे पप्पू यादव। ईडी और सीबीआई के डर से अच्छे अच्छों का मुंह फूलता है, वही हाल हमारा राजकुमार साहब का है। तेजस्वी जी बताए ना, या इंडिया या एनडीए, तो वो किसका एजेंट है, वो किसका एजेंट है? अरे भुला जाएंगे, ऐसा नहीं, सांसद नहीं थे उस समय, मदद किए होगा, अब क्यों नहीं करेंगे? तेजस्वी का भीड़ देखिए, उधर देखिए, उधर रोज रोड शैली में उससे ज्यादा भीड़ है। पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत, एक इतिहास रचेगा, इतिहास रचेगा, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला जीत हासिल होगा पप्पू यादव का। पूर्णिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और रात के 10 बजे पप्पू यादव के जो समर्थक है, जो चाहने वाले हैं, वो उनके आवास के बाहर इंतजार करते हैं कि पप्पू यादव का अगला स्टेप क्या होगा। देखिए निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दो ही दल है, दो ही गठबंधन है, या तो एनडीए को दीजिए या तो इंडिया गठबंधन को दीजिए। ये तीसरे वाले जो हैं वो भाजपा और आरएसएस के एजेंट हैं। अब जनता बताएगी कि पप्पू यादव क्या है, क्या आरएसएस के एजेंट है या पूर्णिया के बेटे हैं, क्या है पप्पू यादव? पप्पू यादव पूर्णिया के बेटे हैं और तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं या तो इंडिया या तो इंडिया, जनता बोले ना इंडिया को, ना इंडिया को, पप्पू यादव को ही देंगे, इसको जिताएंगे। बिहार के बेहतर पूर्णिया के बेटा, वो खुद अगर बोल रहे हैं इंडिया को दीजिए, वो जब वो खुद बोल रहे हैं इंडिया को दीजिए, तो जनता क्या बोलेंगे? स्पष्ट है वो तो चीज़, तो स्पष्ट है, जब खुले मन से प्रचार कर रहे हैं तो बी टीम भाजपा का स्पष्ट है। दो ही गठबंधन है, या तो इंडिया या तो एनडीए, तो जनता विचार बना चुकी है आपके बात पे नहीं। दिल्ली और पटना वाले के अनुसार राजनीति नहीं चलेगा, जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता मूड बना लिया है, जो पप्पू यादव, पप्पू यादव हर गरीब का आवाज निकल रहा है पप्पू यादव, एजेंट है पप्पू, नहीं कौन का मन से तो कह रहे भैया, वो तो प्रचार किया है, उसके रैली में कितना भीड़ है वो तो आप लोग भी जानते होंगे, 200 से 400 नहीं भी होगा। नहीं भैया, आप लोग हम लोग के भी पास है भैया, भैया ईडी और सीबीआई के डर से अच्छे अच्छों का मुंह फूलता है, वही हाल हमारा राजकुमार साहब का है। पिता झुके थे ना, बेटा झुकेगा, सब झुका है, तो इसीलिए ना सब पे बी टीम जाए, बी टीम है ना। क्या बोल रहे हैं, इंडिया को ले दीजिए, प्रचार तो खुद तीन दिन आ चुके हैं पूर्णिया में, उतना हम लोगों को देखने के लिए जितना भीड़ उसके जनसभा में होता है, उतना हम लोगों के लिए जेसीबी खुदाई होता है ना, उतना भीड़ होता है। वो तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए दो चार सौ देख रहे हैं, ऐसे है महाराज, महाराज सब लहर है, देख रहे हैं, सब लहर है, सब लहर। पप्पू मैं की बार पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत, एक इतिहास रचेगा, इतिहास रचेगा, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला जीत हासिल होगा पप्पू यादव का। पूर्णिया में इस बार का इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे पप्पू यादव। वोट मांग रही है आप, सुनिए भैया आचल फैला के, एक मिनट, उसका बेटा जी, उसका बेटा, बेटा पे राजनीति करते, बेटा पे राजनीति करता है, नहीं बेटा पे राजनीति करता है, वो लड़की के चक्कर में उसका बेटा रेत किया था, ट्रेन में कटा था, लड़की के चक्कर में वो आज राजनीति, मरल पे बेटा पे राजनीति कर रहा है, बोलिए उसका बेटा लड़की के चक्कर में, आप बोलिए आचल भैया क्या बोलना चाहते हैं इस बार, कौन पूर्णिया से, हम ही पूछना चाहते हैं। देखिए एगो चीज बताते हैं, हाँ बताइए, इस बार तो पब्लिक ना फैसला करेगा, अभी पब्लिक है ना, और फैसला जो हो रहा है, हाँ, आपको नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, बता दीजिए, आप बताइए, बोलिए, पप्पू यादव, पप्पू यादव फिर, हाँ, इसमें आपको सजेशन क्या लग रहा है? तेजस्वी जी बोल रहे हैं आरएसएस के एजेंट है पप्पू यादव, लालू जी झंझारपुर में आ बते, हाँ, क्या बोले तेजस्वी जी, बताए ना, या इंडिया या एनडीए, तो वो किसका एजेंट है, गठबंधन है, वो किसका एजेंट है? या तो एनडीए को दीजिए या तो इंडिया को दीजिए। क्यों बोले, क्यों बोले वो? क्योंकि वो आरएसएस के एजेंट खड़े हैं वोट काटने। कौन खड़े हैं? तेजस्वी खड़ा है, तेजस्वी खड़ा है,
बीजेपी का एजेंट बना हुआ है बिहार में। आरएसएस क्या होता है? आरएसएस क्या, आप ही बताइए, इधर आइए। नहीं, आप सवाल खड़ा किए, आरएसएस क्या होता है आप बताइए ना। आरएसएस क्या है? एक संघ है, एक सेवक है, सेवक संघ है, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाला अथी है। अब बताइए, भाजपा को बैक सपोर्ट करता है? सुनिए, बैक सपोर्ट आप बोले ना, बैक सपोर्ट करता है, लेकिन पूर्णिया में भाजपा अपना सदस्य नहीं दिया है, ठीक है, पलटू राम को दिया है। कल तक महाराज जो जो आरएसएस और बीजेपी के गोद में था, वो ये चुन चुन कर टिकट दिए हैं। अब इनके जो है बीमा भारती, ये कहां से आई हुई है? और इनके आप देखे होंगे झंझारपुर का कौन्ना सेठ जी को दिए हैं, जो हाफ पैंट पहन के कल तक आरएसएस का प्रचार किए हैं, बीआईपी दिए है ना, तो ये कहां से है? मतलब ये लोगों को मूर्ख बनाने का एक काम कर रहे हैं। ये पूर्णिया में अब की बार वो सब नहीं चलने वाला है। सिर्फ पप्पू यादव, एक पप्पू यादव, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, सब पप्पू में, पप्पू मैडम, कोई नहीं है यहाँ टक्कर में, यहाँ टक्कर में कोई है ही नहीं है। यादव जाएगा राजद के तरफ, मुसलमान जाएगा राजद के तरफ, वो लालू यादव तेजस्वी कहते हैं ना भाई, वही तय कर लेंगे। यादव तो मतदान करने का नहीं, यादवों की नहीं, आप जात पात पप्पू यादव मिटाना चाहते हैं और मिट चुका है पूर्णिया से, जाति धर्म नहीं चलेगा। पार्टी का आदमी पटना में बैठे हुए, 4 जून के बाद ये साबित हो जाएगा, जाति पात नहीं चलेगा बिहार में 4 जून के बाद। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड तोड़ ये पूर्णिया बताएगी जनता, पूर्णिया की जनता पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बता देगा पप्पू यादव के बारे में, गरीबों का मसीहा। करने क्या मदद, प्रणाम प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, सेवा करने के लिए तैयार है, उसके लिए जो भी हम लोग को देना पड़ जाए, प्राण जान, नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, नहीं वो चीज नहीं चाहिए। जितने गांव में नहीं गया संतोष कुशवाहा, दस जलालगढ़, जलालगढ़ प्रखंड करियाट के हमारा पूर्णिया लोकसभा में आता है, लेकिन सांसद सांसद आज तक हमारे गांव नहीं गए हैं। 10 साल वोट दिए थे 10 साल में, लेकिन आज तक हमारे सांसद नहीं पहुंचे हैं। में 5 बार जा चुके हैं, सभा संबोधित किए हैं, गरीब का मदद किए हुए हैं। जीतेंगे तो ये भी भुला जाएंगे, कुछ नहीं भुलाएंगे, अरे भुला जाएंगे, ऐसा नहीं। सांसद नहीं थे उस समय मदद किए होगा, अब क्यों नहीं करेंगे? जिस समय सांसद नहीं थे उस समय गरीबों का मदद किया, मेरा मदद किया भैया, प्रणाम पूर्णिया। जैसे पूर्णिया का सीट जो जीतने के बाद जो दिल्ली में इसको आवास मिलता है, उसको सेवाश्रम के नाम से कर दे, कोसी सीमांचल जैसे भारी पड़ रहा है इस बार पूर्णिया का। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं प्रचार करने के लिए हमारे पप्पू जी के खिलाफ में, और उससे 4 जुलाई को आपको ये चीज का महसूस हो जाएगा। मेरा प्रिय सांसद पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया रहेगा पप्पू यादव जी। भारी पड़ गया ना पूर्णिया, मोदी जी को इतना ही भारी पड़ गया, मोदी जी अपना ढंग का आदमी नहीं चुन पाया। चलिए तो देखिए, ये पूर्णिया है, और पूर्णिया मतलब प्रणाम पूर्णिया, पूर्णिया की सेवा करने के लिए यहाँ के युवा जो है वो तैयार है, और किसके लिए? पप्पू यादव के लिए। पूर्णिया का माहौल 24 घंटा के लिए, सोना होना नहीं है? नहीं सर, नहीं सोना। तेजस्वी का भीड़ देखिए, उधर देखिए, उधर रोज रोड सैली में उससे ज्यादा भीड़ है। 105 घंटा जी हाँ तय है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। 105 घंटा सर, आज से 5 दिन बचा है, 105 घंटा सर, उसके लिए तैयार है, मेरा पूरे पूर्णिया तैयार है। प्रणाम पूर्णिया, पीछे पप्पू यादव, पीछे पूर्णिया, पीछे पप्पू यादव, पप्पू यादव जिंदाबाद, पीछे पूर्णिया और पीछे पप्पू यादव, ये नारा बच्चे ने दिया है और कहा है कि बस इस बार पूर्णिया में पप्पू यादव ही आएंगे। जो भी लोग यहाँ से सपना देख रहे हैं सांसद बनने का, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि दो ही गठबंधन, या तो इंडिया या तो इंडिया, इसी में से चुनना है, तीसरा और कोई नहीं है। यानी कि पप्पू यादव से इस बात का डर है कि इस बार माहौल बदल सकता है, और पप्पू यादव का जिस तरीके से पूर्णिया का माहौल दिख रहा है, नहीं चुन रहा है, तो देखिए इनका भी कहना है जनता इंडिया और एनडीए को नहीं चुन रहा है, जनता पप्पू यादव को चुन रहा है। बहरहाल आप क्या क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।